दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक कॉमेडी शो है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद आता है। शो में कई किरदार हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं, और इस शो में दिखाया गया है कि वो कैसे रोजाना अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टेलीविजन इतिहास के सुपरहिट टीवी सीरियल्स में से एक है। ये शो पिछले 15 सालों से भी ज्यादा समय से लोगों का मनोरंजन कर रहा है। शो के किरदार जेठालाल, दया बहन, बबीता जी और बाबूजी तक सभी घर घर में पॉपुलर हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर्स की नेटवर्थ कितनी है? अगर नहीं तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर्स की नेटवर्थ के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, दिलीप जोशी। दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की भूमिका निभाते हैं। इस शो में वो काफी फेमस हुए हैं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मेन रोल है, जो शो मुख्य रूप से सिर्फ उनके आसपास ही घूमता है। यही कारण है कि शो में उनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। दिलीप जोशी टीवी सीरियल्स के अलावा एड्स, ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया के जरिए भी अच्छी कमाई करते हैं। वो साल भर में एड्स और शो से लगभग 4 से 5 करोड़ की कमाई कर लेते हैं, और उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपीस है। नंबर सेकंड, दिशा वकानी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन का किरदार निभाकर मशहूर हुई दिशा वकानी भले ही इस सीरियल में नजर नहीं आती है, लेकिन आज भी वो काफी पॉपुलर हैं। इस शो में उन्होंने दया बहन का ऐसा किरदार निभाया जिसे आज तक कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है। दिशा वकानी सबसे महंगी टीवी एक्ट्रेस के लिस्ट में भी शामिल है। दिशा वकानी टीवी सीरियल्स के अलावा कई एड्स भी करती हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दया बहन उर्फ दिशा वकानी का नेटवर्थ करीब 37 करोड़ रुपीज है। नंबर थर्ड, अमित भट्ट। अमित भट्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपक लाल की भूमिका निभाते हैं, जो शो में जेठालाल के पिता हैं। जेठालाल के बाबूजी का रोल कर रहे अमित भट्ट शो में काफी फेमस हैं। ये टीवी सीरियल्स के अलावा ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 35 करोड़ रुपीज है। नंबर फोर्थ, मुनमुन दत्ता। ये छोटे पर्दे में काफी फेमस एक्ट्रेस हैं। ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाती हैं। मुनमुन दत्ता ने 2004 से टीवी की दुनिया में कदम रखा था, और वो लंबे समय से तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा हैं। मुनमुन दत्ता ने मुंबई एक्सप्रेस फिल्म में भी काम किया है, जिसमें वो कमल हसन और मनीषा कोरियाला के साथ दिखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता का नेटवर्थ लगभग 29 करोड़ रुपीज है। नंबर फिफ्थ, मंदार चंडवारकर। तारक मेहता में मंदार गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिरे का रोल निभा रहे हैं। मंदार ने इंजीनियरिंग की हुई है। इतना ही नहीं, शो में काम करने से पहले उन्होंने 1997 से लेके 2000 तक बतौर इंजीनियर दुबई में काम किया हुआ है। और अगर बात करें उनके नेटवर्थ की, तो उनका टोटल नेटवर्थ करीब 42 करोड़ रुपीज है। नंबर सिक्स, तनुज महाशब्दे। ये एक इंडियन टीवी एक्टर हैं, जो काफी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये अय्यर के किरदार निभाते हैं, जो काफी लोकप्रिय है। तनुज महाशब्दे अपने अभिनय कौशल से सभी को प्रभावित करते हैं। और अगर बात करें इनके नेटवर्थ की, तो इनका टोटल नेटवर्क लगभग 28 करोड़ रुपीज है। नंबर सेवन, श्याम पाठक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल का किरदार अपने छाते और कंजूसी के लिए बेहद फेमस है। पोपटलाल का किरदार इसलिए भी मजेदार है क्योंकि वो शादी को लेके बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन उनकी शादी होते होते रह जाती है। शो के ये बेहद मशहूर किरदार पोपटलाल श्याम पाठक निभाते हैं। और अगर बात करें उनके नेटवर्थ की, तो वो करोड़ों रुपए के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका टोटल नेटवर्क लगभग 15 करोड़ रुपए।
रुपीज है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।